Who gave you the deal to kill my brother? I don't know, sir. I hate lies. I hate crimes. I am a bad criminal. Anthony. Joseph Anthony. Please don't kill us. Please. Sir, we've been preserving these bodies for the last 10 months. It'll be difficult for us to preserve them for more days. अगर इन बॉडीज को दफन किया तो मेरे इमोशंस भी दफन हो जाएंगे, पेन खत्म हो जाएगा, वो यहां चुभनी चाहिए। सर, इनफॉर्मर्स आ गए हैं। प्रिजर्व इट। यस सर। तुम्हारे भाइयों को मारने की सुपारी देने वाला कोई और नहीं है, योर ओल्ड फ्रेंड जयदेव गायकवाड़ सन विजय गायकवाड़। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजना। तुमने बातों को सीरियसली नहीं लिया। वी आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस। वी आर कैंसलिंग द डील। लगता है बेटे के लिए इमोशन का पलड़ा दोस्ती के अफेक्शन से कुछ ज्यादा भारी हो गया है। शैल वी किल हिम सर? नो, वो एक बार में नहीं मरना चाहिए, उसे हर पल मरना होगा। मैं चाहता हूं उसकी हार्ट बीट 72 टाइम्स से 144 टाइम्स पहुंच जाए। इस इंसिडेंट से इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कोलैप्स हो गया है। उसे एहसास दिलाओ जिंदा रख के उसके बाप को मार दो। इन्वॉल्वमेंट तो लग ही नहीं रहा। ये सिर्फ किलिंग नहीं है, इट्स वार्निंग। इस वक्त आपकी और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गन पकड़े 100 लोगों का झुंड नहीं चाहिए, बस एक गन जैसा पावरफुल आदमी चाहिए जो दुश्मन के सामने दीवार भी बने और जो दुश्मन के दिल में बेझिझक गोली भी उतारे। सर, सुबह हमारे बॉस की बेटी शादी अटेंड करने के लिए बैंगलोर गई थी। सुबह 12 बजे वो बैंगलोर पहुंची, 1 बजे उन्होंने शादी अटेंड की, लेकिन 2 बजे से उनका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है सर। 4 घंटे से लगातार हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं सर। एमजी रोड में जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उन्हें देनी पड़ेगी, इस बात की वो डिमांड कर रहे हैं। वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली? एमजी ग्रुप के प्रताप अरस है सर। अगर आप लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो प्रेस और मीडिया हमें जीने नहीं देगी सर। बेटी के वेडिंग है सर। नाम बताओ सर। मैं ठीक हूँ स्वामी। एमजी ग्रुप्स, प्रताप अरस। नहीं सर, नहीं सर। मेरे से नहीं होगा सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ।
बेंगलोर में जे विंग्स नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी है सर। वहां पर एक पावरफुल पर्सन है सर। ऑन ट्रेडमार्क। अगर वो ठान ले तो लाइफ में वो कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है सर। कल सुबह होने से पहले मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए। तेरा बाप जितना बिजनेस से प्यार करता है उतना वो तुझसे भी नहीं करता। इसका मतलब यहाँ से तेरा जिंदा जाना मुश्किल है। इसकी तो क्या हुआ सर? हमारे ऑपोजिट जे विंग्स आ गया सर। हमारी चूड़ा टीम को उतार। ट्रैक है। अपोजिट में एमजी ग्रुप टीम है कैप्टन, उनके साथ रेस में उतरना मुझे बड़ा रिस्क लग रहा है कैप्टन। रेस में उतरने वाला कौन है? जॉकी। छोटे मोटे रेस में वो नहीं उतरते, और अगर उतर गए तो वो होता है वन मैन शो। हमने तुझे चारों ओर से घेर लिया है, डर नहीं लगता है तुझे? खामोश क्यों बैठा है? कौन है तू? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जाके पकड़ उसे। वो मिकी माउस नहीं कि तुम पकड़ लोगे, वो पावर हाउस है। ग्रुप्स, ये नाम सुनते ही जो बोलता है नहीं झुकूंगा वो भी झुकता है।
कंपीट करने से पहले कंपेटिटर के बारे में कंप्लीटली जान लेना चाहिए। विदाउट परमिशन के घुसपैठियों का बाहर जिंदा वापस जा पाने का आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ने की आदत है। बॉयस, किल हिम। ड्यूटी पर हूं इसलिए डिसेंटली मारा है। किस्मत अच्छी है तेरी। मेरी गाड़ी ठीक करके देना और अपनी ले जाना। थैंक यू। शो खत्म हुआ, चलें। मेरा बेटा है ये जानते हुए भी उसे मारा? आपका बेटा है ये जानने के बाद भी मारा बॉस। कौन है वो? वो है। इसके बारे में क्या इंट्रोडक्शन लेगा या इसके बारे में तू इंफॉर्मेशन लेगा? कहता हूँ सुनना जा सब धीरे धीरे। Shit!
लायर जब दहाड़ता है तो जंगल कांपता है। किंग इज ऑलवेज अ किंग मामा। देखो 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 ये है सिंगो निशान, दगाएगा सुन ले बेटे इसका ऐसा बजान, ओ टाइम होता है इसी का सेलिब्रेशन, कैलकुलेशन बेटा ऑलवेज नंबर वन। राजा 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 भारी, सोने जैसे है दिलदारी, मान ले ये अब तो चुप जा, हट्टी हट्टी तोड़ देगा वरना पीछे हट जा। रैम्बो हॉक आई गो स्ट्राइडर, थॉर हल्क ब्लैक पैंथर, सारे वर्जन इसके ही है, सुपर हीरो है जो क्लास है, क्लास है। क्या बात है? हमें संतोष से मिलना है। नाम क्या है? स्वामीनाथन। कैप्टन कम ऑनलाइन। ओवर। क्या बात है कुमार? कोई स्वामीनाथन है जो आपसे मिलना चाहता है सर। ओवर। क्या बोल रहा है? संतोष सर से मिलने की बात कर रहे हैं सर। ओवर। उनको भी उन्हीं से मिलना है क्या? हाँ भेजो ने। ओ सारे मेन इन ब्लैक में। ए, संतोष कौन है? आपको नहीं बताएंगे। ए, हमें एमजे ग्रुप से भेजा गया है, कहाँ है वो? हाँ हाँ संतोष सर। क्या हुआ? हमारे बॉस को आपसे मिलना है, चलो चलते हैं। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हमारे बॉस। तो फिर यहाँ किसे आना चाहिए? हमारे बॉस को। तो बुलाऊं? असली पंच तो सर के डायलॉग में है, इसीलिए बॉस पावर स्टार है। बॉस अब भी औकात पे आया। आपसे एक मिनट के लिए पर्सनली बात करनी है बॉस। इसने तो पैर पकड़ लिया। तूने पहली बार देखा होगा, बात की दुनिया ये बात पहले से जानती है। उठ जा, उठ। मुझ पर दया करके आप कुछ भी करके आ जाइए, नहीं तो 10 लोगों का काम चला जाएगा। ये सब पेट के लिए कर रहा हूँ, प्लीज मान जाइए बॉस। अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले बताना चाहिए था ना। चलो। थैंक यू बॉस। बॉस तो मान गए। उनसे प्यार से बात करने वालों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए तूने कहते हैं अब फूल। संतोष, संतोष आओ बैठ जाओ। रूलिंग पार्टी, लीडिंग कंपनीज, ब्रांड भी खौफ खा जाए, ऐसा वजन है हमारा। इन सब को ब्रेक करके तुमने इसे टच किया है। मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। मुझे खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं है। लाइफ में तेरी तरह रिस्क लेना मुझे भी बहुत पसंद है। पैसों के लिए कुछ भी करोगे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सिक्योरिटी दूंगा और जरूरत पड़ने पर जान देकर भी बचाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड प्रॉब्लम में है, उसको 3 महीने की सिक्योरिटी देनी है, 3 करोड़ दूंगा। अपने गेम और ग्राउंड को मैं खुद ही डिसाइड करता हूं सर। ठीक है, कल का ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगा, जाकर मिल लेना। डन। बाय द वे गेम तो मुझे पसंद है, लेकिन डबल गेम पसंद नहीं। गेट वेल सून। तुझे मैं बुलेट उतारने के बजाय हफ्ते तो उसे डील देकर भेज दिया। बेटा पावरफुल इंसान हमारी ऑपोजिट में रहने से बेहतर हमारे साथ रहे। एजेंसी है। आई एम सीनियर मोस्ट मैनेजर शंकर माधव आचार्य। संतोष।
अगर यही संतोष जिंदगी भर रखना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक से सुनो। बोलिए सर। यहाँ से जो कोई भी अंदर जाता है उसको वापस मेरे पास आना ही पड़ता है। मुझे भी राह दिखाइए सर। अगर मेरे असिस्टेंट होते तो ही राह दिखाता। हाँ ठीक है सर। बॉस सर। यस सर, आ रहा हूँ सर। यस प्लीज। हेलो, मेरे पीछे आओ। आते ही नो डोमिनेशन, कम बैक। सॉरी सर, आफ्टर यू। ऐसा सम्मान देते रहना। फॉलो मी। मैं आई कम इन सर। यस, यही है सर। संतोष। हेलो सर। लाइफ में खुद सब कुछ सिलेक्ट करने की आदत है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मुझे सिलेक्ट करने आया है। गुड, टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, आपके हर दिन का प्रोग्राम मुझे एक दिन पहले पता होना चाहिए, सो दैट आई कैन प्लान द स्केड्यूल। सेकंड कंडीशन, मैं जो कुछ भी करूंगा, जो भी डिसीजंस लूंगा, उसमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और थर्ड, अमाउंट अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट, एवरी मंथ सेटलमेंट होना चाहिए। बस इतना ही? यस सर। I have few conditions as well. Point number one, I expect loyalty. Okay sir. Point number two, मेरे किसी भी काम में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे। तुम्हारा काम मुझे सिर्फ सिक्योरिटी देना होगा। Sure sir. Point number three, suddenly अगर इसने मुझ पे अटैक किया तो what's your reaction? I'll shoot him. Shoot him. इसमें बुलेट नहीं है सर। मैंने ज़्यादा से किया। गुड, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। ऑलराइट सर, एक बात और। इन्हें मेरा असिस्टेंट बना दीजिए। श्योर। सर, विजय का पूरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। गुड। उसके फादर को किसने मारा वो इसी कंफ्यूजन में जी रहा है। व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप सर? बिजनेस ब्रेकडाउन। पापा, इस पर माल ज्यादा आ गया है, डबल। ओह ग्रेट, जस्ट वन मिनट, वन मिनट। सर। हेलो रतन। नमस्ते एंथनी जी। नमस्ते। आपने तो बहुत सारा माल भेज दिया, कमाल हो गया। Thank you so much for the gift. I am getting you one more gift. One more gift? You are free to take over Southern Cartel. Oh God! I was really waiting for this opportunity. All the best. Hey guys, come on, let's go and conquer the South. Yes, Dad. Sir, अगर आपको एक दिन नहीं देखा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। क्यों? सही कहा ना? हाँ सर। और आप जा रहे हैं एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, पूरे तीन महीने के लिए। अरे कैप्टन, काम इम्पोर्टेंट है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते हैं, हमारे पास तो खुद लक्ष्मी आई है। मना करना ठीक नहीं रहेगा। सर, पैसे तो आ जाएंगे, पर उसका क्या फायदा होगा? आप तो बड़े दानवीर इंसान हैं कि आप तो सब लोगों में ही बांट देंगे। सर, ये सब जरूरी है क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए। आप सबका ख्याल रखिए, मैं टच में रहूंगा। यस सर। ओके, आप लोग आराम से और खुशी से काम करिए, एंड स्टे सेफ। किलर है क्या? इज ही अमेरिकन, अफ्रीकन, मंगोलियन, कौन है वो? इंडियन। विकी, विकी, डॉक्टर। सॉरी सर, ही इज गॉन बैक इनटू अ कोमा। मेरा बेटा उसके नाम से इतना डरता है, मतलब ही इज नॉट अ कॉमन मैन। सर्च द फुटेजेस। यस। 11 o'clock का ऑफिशियल मीटिंग है और 3 to 7 कैंसल एवरीथिंग। आज मेरी छोटी बहन सिंगापुर से आ रही है। ओह करेक्ट करेक्ट, मैं तो भूल ही गया। टेक केयर ऑफ। ओके सर। फ्लाइट कितने बजे है? फ्लाइट
वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है, अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी। आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी ही है, किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, डिटेल्स दो। डिटेल ही तो बताया अभी, कोई नाम, फोटो। को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप, आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए, मैं लेकर आ गया था। दादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चेन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको, और नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे? अरे रुको, मैं भी आ रहा का वही नंबर है ना? पक्का वही नंबर है बॉस। ओके। जो बीच में लड़की बैठी है ना, वो बहुत स्वीट लग रही है ना सर? ऐसे ही देखोगे ना प्रेम हो जाएगा, है ना सर? प्रपोज करने का भी आपका दिल कर रहा है ना सर? नहीं सर, प्रपोज नहीं करने का हूँ। शो स्टार्ट होने से पहले ना मैंने प्रपोज किया था सर, लेकिन कपड़े की तरह इसने मुझे धो दिया सर, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी नहीं लिया इसने। आश्रम में आप प्रपोज करने आए क्या? खैर चलिए छोड़िए, आप प्रपोज करो तो प्रपोज किया ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसे प्रपोज करना चाहिए। पर वो कैसे सर? उसके लिए स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, फॉलो मी। हेलो मैडम, दो मिनट प्लीज। जस्ट टू मिनट्स प्लीज। बोलिए। अच्छा प्ले करती हैं आप। थैंक यू। तो आप यहाँ डेली आती हैं? नहीं, कभी कभार। अच्छा, सैलरी कितनी है आपकी? सोशल सर्विस ट्रस्ट के लिए परफॉर्म करती हूँ। ओह, समाज सेवा। अच्छा अच्छा, फॉलो। ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका दिल बहुत अच्छा होता है, वो उन्हें पसंद करने वालों की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे तो आप बहुत पसंद आ गई। What? और आपका म्यूजिक भी। ऐसे भी कोई प्रपोज करता है क्या? ये तो स्पेशल टैलेंट है। आपका फैंस क्लब ओपन कर दें। पक्का सेट हो जाएंगे दोनों। संतोष हो ना? हाँ। न्यू सिक्योरिटी मैनेजर। आप वो जोकर, क्या नाम है उसका, शंकर गौड़ा की बेटी ललिता हो क्या? नो। फेस रीडिंग? मोबाइल रीडिंग, निशा, निशा गायकवाड़। अच्छा, वो आप ही है क्या मैडम? नॉट रीचेबल में थी, लेकिन ऐसे रीच होंगी पता नहीं था। अब आइए चलेंगे। टू मिनट्स। संतोष, वन स्मॉल स्टोरी। गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वहाँ एक बोर्ड भी होता है, फूल को देख के सिर्फ आनंद लो, प्लीज उसे तोड़ो मत। पता है किस लिए? किस लिए? क्योंकि उसे छूने के लिए रेंज की जरूरत होती है। तो अगली बार किसी को इम्प्रेस करने से पहले उसका रेंज क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है। ओह, रेंज। मैडम, मैं भी आपको एक स्मॉल स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव, उसमें एक अमीर इंसान, उम्र हो गई, वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। वही गांव एक और इंसान, एकदम गरीब, उम्र हो गई, वो भी मर गया, वो भी मिट्टी में मिल गया। अब इन दोनों के बीच में ये रेंज कहाँ है ये मैं ढूंढ रहा हूँ, आपको मिली क्या? मेरे हिसाब से रेंज का मतलब रेंज रोवर में घूमना नहीं होता, पैसा आने के बाद भी आप सबके साथ हम्बल रहे, असली रेंज यही होती है। हम चांद को देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उसे हासिल करने की रेंज किसी की नहीं है। ये तो लेकर आ गया। मतलब फैंस, इतने हूरों में आपने नूर को ढूंढा कैसे? यू फूल, तुमने उसकी एक भी डिटेल मुझे नहीं दी। ओके, लेकिन तुमने मेरी सारी डिटेल्स उसे दे दी। ओ हो हो, मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे बारे में मैडम को व्हाट्सएप किया था।
गर्म बॉडी और लावा जैसी आंखों में स्नोफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे देखते ही पसंद आ गई। शादी करने की सोच तू मेरे बारे में बता दो। मैनेजर से असिस्टेंट और अब ब्रोकर। सर कंसाइनमेंट डिटेल्स। जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो। रतन लाल ने हमारे आइलैंड को कैप्चर कर लिया। इमीडिएटली कॉल करके उससे बात करो। हे मिस्टर विजय। आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो इट्स अ मिस्टेक यार, अ बिग मिस्टेक। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डोंट गेट पैनिक विजय, आई एम देयर फॉर यू। और हाँ विजय, नेक्स्ट वीक पुणे में मेरी बेटी की शादी है। इनविटेशन पहुंचा दूंगा। यू कम ओवर एंड वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके ओके, सी यू, बाय। चीयर्स। अरे मम्मी, ये आज इतने सारे लोग कैसे हैं? जो अदृश्य हो गए हैं उनके लिए सब लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। क्या मतलब? मतलब बरसी भाई। किसकी? अरे वही श्रीमती पुष्पलता गायकवाड़ जी की, आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर, जान बचाकर सुइसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर? मिठाई और खाना। उसके बाद? अनाथ आश्रम में छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर? वृद्धाश्रम। उसके बाद? अंधाश्रम। उसके बाद? बार। मिल्क बार। शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने के बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके एक मिनट, वहीं आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोज बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी है, पैसे की प्रॉब्लम है भाई। अरे इसकी तो। आपकी? दादी पापा मम्मी सब हॉस्पिटल में। नहीं है भैया। ठीक है बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु पैसे नहीं है गुरु, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई, मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेच कर दारू पी रहा हूँ गुरु। सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है, वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। ओके आप हार गई तो जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना, इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनेयर है लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस रहते हैं। कौन ये? भोलापन होना ठीक है लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ 12-12 लड़कियों के साथ छुपके शादी की है। क्या 12-12? 12 क्या है इसके लिए, 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है। बाप रे, उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे? खुद ही पूछ लो। हाय निशा, सॉरी कैप्टिवेटिंग। हाय अंकल। डोंट कॉल मी अंकल, आई एम स्टिल यंग, कॉल मी चौधरी। चौधरी, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की 13वीं रानी है। गाड़ी बाड़ी नारी सब कुछ है मेरे पास। क्या बात बोली है आपने। पैसों के लिए लोग अपनी सुख शांति खो देते हैं। करेक्ट। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें आराम से जीना चाहिए। वैसे अब तुम भी शादी वादी कर लो। हाँ हाँ, 16 आने सच्ची बात है ये। One minute, one minute.
वहाँ मैं चूक गई, लेकिन यहाँ चूकने का चांस ही नहीं। वो देखो, उसका नाम है जॉन, 3 साल से डायलिसिस पे है। डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने हैं। बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया। ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। सीबीआई की रेड होने वाली है, पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी। समझ में नहीं आया क्या? इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है। अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता, मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश हैं वो। नो चांस। तो चांस लेके देख लो। हाय अंकल। अंकल हाय निशा, आओ बैठो बैठो। आपकी हेल्थ बहुत खराब है मुझे पता चला। इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ। मेरे बिजनेस पे पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया अपसेट। अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ही ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में। बीच में? हाँ बीच में। अरे ग्रेट सर, मैं अभी चेक करके आता हूँ। हाँ जाओ। ओ डार्लिंग, वन मोर शॉट प्लीज। अंकल ड्रिंक्स? ड्रिंक्स आल्सो मेडिसिन। पर भी बम फटा। ओके ओके, आई विल कॉल यू लेटर। नो नो नो, मीटिंग इज कैंसिल्ड। सर सुरेश। ओ सुरेश, यू आर फायर, यू आर फायर। मीट मिस्टर रमेश पाटिल। 75 कंपनी ओनर, 5 टेक्नो पार्क, 750 करोड़ इन्वेस्टमेंट। आपका? हाँ, ए बोल रहे। सर फुल रिच। धरती पर रहने वाला हर इंसान सुखी नहीं है सर। फुल पेन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। सर फुल रिच। हां, नींद, सोना, नहाना, नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैडम ये बर्गर खा लूं मैं? ये बर्गर नहीं, सैंडविच। फ्रस्ट्रेशन, समझ में नहीं आता कि मीटिंग करूं कि खाना खाऊं। सर फुल रिच। अब तो मानोगे ना तुम हार गए हो। बोलो। बगल में छोरा और शहर भर में ढिंढोरा, आपका ऑनलाइन चैनल कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं सर, कोई देख ही नहीं रहा है साला, ना टीआरपी ना पैसा आ रहा है, फुल लॉस। बड़ी तकलीफ कौन समझेगा सर? क्या ऑनलाइन वाला एक चैनल तुम्हारा? हाँ। है अरे तब तो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूँ। अरे देखिए ना, सिर्फ ये देख रहा है, ऐसे पैसा कैसे आएगा सर? अरे इसने तो मुंह खोल दिया। पापी पेट का सवाल है सर, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैडम ये सब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन मैंने आपसे कहा था। हमारे सर फुल रिच। लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारे सर फुल रिच। ए, कौन रिच है, चल निकल यहाँ से। सर फुल रिच। सारा खेल खत्म हो गया। सर फुल रिच। अरे कहाँ फंस गए। जीतना गलत नहीं होता है, गलत तरीके से जीतना गलत है। Okay, guys, let's start up. तो आपने हार मान ली ना? कोई चांस ही नहीं, ये सब अमीरजादे हैं। बिल्कुल खुश नहीं है। वीकेंड में पेरेंट्स से मिलते हैं कि नहीं ये भी डाउट है। अपने दुख मिटाने आए हैं। कौन ये लोग? हेलो, आई विल प्रूव इट, यू सी। जंप करो प्लीज। लेट्स डांस। यस, चलो चलो। हेलो ब्रदर। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड, थैंक यू। आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हां बोलिए बोलिए। आर यू इन पेन? नो पेन, आई एम ओके, गुड वाइब्स ओनली। लगता है बहुत अमीर हो आप। हाँ बहुत। ओहो, फिर काम कौन करता है? अरे काम वाम कुछ नहीं करता हूँ मैं बस एंजॉय करता हूँ। कम ऑन देवी। मैं सच कह रहा हूँ, उस उम्र में मेरे पास चिकी मूंगफली खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। मनी रूल। बोलो, अब तो हार मानती हो ना? कैसे मानू? हाँ मैं खुश दिख रही हूँ क्या? कौन कब मुझ पे अटैक करेगा पता नहीं। तुम जैसे को हायर करके जीना पड़ता है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं हार गई। अब क्या? हाँ क्या चाहिए तुम्हें? वॉच, एटीएम कार्ड, क्या चाहिए तुम्हें? रो रही हो क्या? नहीं, आंखों से बस पानी बह रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक किस दे दो। अरे बाप रे, किस? तो क्या, पब में थोड़ी तो इज्जत चाहिए ना। मैंने सिर्फ एक किस मांगी है, इतना ही। चलो जल्दी करो, आपने कहा था जो मांगोगे वो दूंगी, अब दो। मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम चुपचाप दे दीजिए। देखिए जुबान से मुकरना नहीं चाहिए, दे दीजिए दे दीजिए। रेंज को सूट नहीं कर रहा है, जब मन करेगा मांग लूं। आती हुई फ्री किसको मिस कर दिया। ईगो हर्ट करने का मजा कुछ अलग ही होता है। वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर हमारी टेरिटरी में आकर शादी कर रहा है ना, समथिंग इज फिशी। खानदान का नाम बहुत बड़ा है ना, खानदान के साथ ही जाकर आऊंगा। Thank you.
हेलो ओनली गेस्ट। जेब में गन रखने से कुछ नहीं होता, गन के साथ साथ गट्स भी होने चाहिए। एनिमी तुम्हारे 360 डिग्री मौजूद है। जा सिक्योरिटी। लेट्स प्ले अ गेम। श्योर। विजय मुझे भैया बुलाता है, हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मैंने ये बात कितनी बार कही है पूछो लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। योर टर्न। एक और बात बोलूंगा ना तो तू डर जाएगा। ये बेंगलुरु कैप्चर करने के लिए रेडी था इडियट फेलो। मैंने डांट कर उसको रोका है। मैंने कल इसको हमारे कस्टमर को वार्न करके आने के लिए कहा, ये उसका सर काट कर ले आया। डेंजरस बॉयज। इन लोगों के लिए इमोशंस की कोई कीमत नहीं है विजय। चेकमेट। राजा के मरने के बाद खेल में कोई मतलब ही नहीं है। तुमने भी अच्छा पैसा कमाया है, अच्छा नाम कमाया है, इतना काफी है विजय। रिटायर हो जाओ। बस इतना ही। इसे वार्निंग मत समझो विजय, सजेशन समझो। डैडी को आप ही ने मारा क्या? नो, नॉट एट ऑल। प्रणव, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। कैसी गुड न्यूज? वो गायकवाड़ बेंगलोर नहीं पहुंचेगा। ये भी ना बैगल शैतान वैज को भेज दिया। सबको काट के फेंक देंगे वो। दिस इज रियली गुड न्यूज। एंजॉय द मोमेंट मैन। ब्रेकफास्ट करो। जानवर का शिकार कर रहे थे पर हमसे इंसान का शिकार भी करेंगे। सबको काट डालो, त्योहार मनाओ। Thank you.
नहीं सर, बुलेट वेस्ट मत कीजिए। हमारे बारे में अनजान दुश्मन से ज्यादा हमारे बारे में जानने वाला दुश्मन ज्यादा डेंजरस होता है। फिलहाल वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। वी मस्ट बी साइलेंट। करेक्ट सर, साइलेंट रहो, उसे हम फिर से अटैक करने दें, फिर हम कंप्लीटली साइलेंट मोड। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह ब्रेकफास्ट में 12 लोग थे, अभी डिनर पर कोई नहीं है, कंप्लीटली इंजर्ड। ये डिस्कशन का टाइम नहीं है सर, डिसीजन का टाइम है। नई कंपनी ओपन करो, पार्टी मीटिंग के नाम पर उनको इनवाइट करो, या आपकी बहन की एंगेजमेंट है ऐसा कह के उनको इनवाइट करो। शादी में बुलाकर उन्होंने खाना खिलाया, आप भी उन्हें बुलाइए और एहसान चुका दीजिए। ज्यादा दिन तक दर्द का रहना ठीक नहीं है सर। उसके बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज। सॉरी सर। एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए हर फैसला सही होना चाहिए, लेकिन उसके पतन के लिए एक गलत फैसला ही काफी होता है। मेरा विश्वास है तुम मेरी बातें याद रखो। हाँ विजय, बोलो। जब डैडी नहीं रहे तो मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है? आई गिव अप। सब कुछ छोड़ देगा? हम एक ही फैमिली के हैं, मतलब तुम्हारे बच्चे मेरी फैमिली हुई, उन्हें कंटिन्यू करने दो। वेरी गुड डिसीजन विजय, वेरी गुड। बुरे लोगों से दूर रहना अच्छी बात होती है। सी यू। मिलेंगे। हे गाइस। यस डैड। डर गया ब्लडी डरपोक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू गेम। संतोष, बारह दिन के बाद मेरी बहन की एंगेजमेंट है, शेड्यूल करेक्ट प्लान होना चाहिए। यस सर। डिलीवरी कोई और लेके जा रहा, मैं अपनी आंखों से ये देख नहीं पा रहा हूं। बहुत दर्द हो रहा है। पेन किलर खाया क्या आपने? मंगलसूत्र पहनाना बाकी है, अंगूठी पहनाने से क्या होता है? मतलब वो डिलीवरी लेके जा रहा है लेकिन घर तक पहुंचेगी नहीं। कंग्रेचुलेशंस।
इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मेरी एक छोटी सी मीटिंग है उनके साथ। हाँ, मैं वो निपटा के आता हूँ। हे बेब। हेलो। व्हाट्स योर नेम? प्रीति। नाइस नेम। थैंक यू। हाँ भैया, पब में हूँ। हाँ, आ रहा हूँ भैया। बेब, आई बी बैक सून। ओके। यस जेंटलमैन, एंजॉय। चीयर्स। Cheers. Cheers. Let's play the game. Sure. Business अच्छा चल रहा है ना भैया? Doing fine. Daddy आपको बहुत पसंद करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। Sorry. News सुनने के बाद मुझे भी बहुत बड़ा शॉक लगा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन भगवान ही ऐसा चाहते थे। अच्छे इंसान को। Two minutes I'll come. Hey babe, प्रीति, क्या हुआ? लड़की नहीं मिल रही क्या? हे, कौन है उधर? गैस। अरे तू यहां पर क्या कर रहा है? हमेशा के लिए तुझे सुलाने आया। मुझसे मारेगा तू? हुई थी तो आप आओगे ऐसा एक्सपेक्ट किया था मैंने। यार मैंने भी आने की बहुत कोशिश की थी, बट बिजनेस कमिटमेंट्स, ओवरसीज ट्रिप्स, आई कुडंट मेक इट। इट्स ओके। लेकिन मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं। हां प्रणाम। लेकिन इस वक्त तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा विजय। हेलो हेलो प्रणाम। हेलो। चीयर्स। सिक्योरिटी, प्रणाम किधर है? नर्क में तेरी राह देख रहा है। ए, मार डालो इसको। डैडी अक्सर कहा करते थे, रिलेशनशिप में कंपीट कभी मत करना। इमोशन का वो इतना रिस्पेक्ट करते थे। मैं भी इमोशंस को रिस्पेक्ट देता हूं विजय। नाउअडेज रिलेशनशिप को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ अकल के अंधों, यमराज यहां है। मरे हुए को ढूंढकर क्या करेगा? वेस्ट। शूट हिम। गन पकड़ने से कुछ नहीं होता, गट्स होने चाहिए। जैसे मेरी ईगल आईज 360 डिग्री ऑन रहती है। मैं दुश्मन को माफ कर देता हूं भैया, लेकिन दोस्ती का ड्रामा करने वाले दुश्मन को
बिल्कुल भी माफ नहीं करता। ये क्या बोल रहे हो विजय? चेकमेट। राजा मेरे साथ है। बच्चों के चले जाने के बाद इस बिजनेस का तू क्या करेगा रतन? परमानेंटली रिटायर हो जा। रेस्ट इन पीस सर विजय किल रतन एंड ही हैज ऑक्यूपाइड द होल बिजनेस। एवरीथिंग इज फाइन। We are back to form. सारे सबॉनेट्स हमारे कंट्रोल में ही है। हमारा डर उनके मन में कुछ ज्यादा ही बैठ गया है। जैसे कि उम्मीद थी हमारी कंपनी के शेयर्स विजय गायकवाड़ को मारने के लिए तू इतनी दूर से आया, रीजन क्या है? He sent a man, a single man, who came from a far land. He destroyed the kingdom, devil's kingdom. जब से मेरे डैडी की मौत हुई है, तब से मैंने बहुत तकलीफ सही है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, समझना मुश्किल है। तुमने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की भी जान बचाई है। तुमने अनजाने में हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प की है। मैं तुम पे भरोसा करता हूं। मेरे डैडी मुझे दो जिम्मेदारियां सौंप गए हैं। पहला ये बिजनेस, दूसरी मेरी बहन। और ये जिम्मा मेरे बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है। एक हफ्ते के लिए निशा को सेफ रखना है। इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके सर। कहने पे यहाँ पर ले आए। आई कैन फाइल अ केस ऑन यू। मैं बात कर रही हूँ तुमसे। हेलो। सॉरी निशा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। बस एक हफ्ता एडजस्ट करो। लौटने के बाद तुम्हें वजह बता दूंगा। ओके भैया। वो सीक्रेटली बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहा है। अपनी बहन को मडगरी में सेफ हाउस में रखा है। टीम इज रेडी। We'll kill his sister first. रुकिए जी, यहीं रुकिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है तीतप्पा और ये मेरी बीबी बेचन्नू। संतोष, सिचुएशन सही नहीं है, थोड़ा अलर्ट रहना। यस सर। पेन हो रहा है, गांव से डॉक्टर को लाना होगा। कार लेकर मेरे साथ चलो ना जी, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, प्लीज चलिए ना। ठीक है, होशियार है। Thank you.
खुशी क्या होती है ये तो मुझे पता ही नहीं था। बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया, उसके बाद सिंगापुर बोर्डिंग स्कूल चली गई, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मैं हर साल अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार करती थी, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बल्कि उस रीजन से कि कम से कम डैड मुझसे मिलने आएंगे। सर्वेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन्हीं के बीच जिंदगी कटी। मेडिकल कंप्लीट करने के एक साल बाद मैं एक काबिल डॉक्टर हूँ ये भूल गई थी। कल फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने डिलीवरी कराई है। जब पहली बार मैंने तुम्हें आश्रम में देखा था तब मैं तुम्हें कैसी लगी ये नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुमने जब मुझे और मेरी फैमिली को बचाया, उस दिन से मेरी जिंदगी का हर एक पल सिर्फ तुम्हारा ही है। मुझे ऐसा लगता है आई लव यू संतोष। कॉल रिसीव नहीं कर रहा, इसका मतलब गए सारे। शिट। मेरी जो आवाज सधी हरकत है तू, रंग बहे तूने लहर जो थाने, अति चंचल अति निर्मल राग है जो तू, सुन के तुझे ले मैं सांस डरे मेरा मन तोड़ने लगा, देख इसे ये बोरा गया, ले मैं चलो दिल तेरा मैं थाम लूं, बदले हो जैसा लगा है साया तेरे दरिया किनारा, मांझी बनू या धुंधला सितारा, बन के रहू तेरा किनारा, सांझ तेरी मैं बस तारा, ले मैं चलो दिल तेरा मैं थाम लूं, बदले हो जैसा लगा है साया। ओके, आई विल अपडेट टुमारो। कॉफी लीजिए। थैंक यू। संतोष, हमारा सिक्योरिटी होने के बजाय अगर घर का सदस्य बन जाता तो अच्छा होता, निशा के लिए अच्छी जोड़ी रहेगी। ये मेरी सिर्फ राय है, फैसला आपको ही लेना है।
This is where the meeting happens. This is the first security check. This is the second one. This is the third one. From here to here, distance 0.75 kilometers. Be on full alert and attack with care. He's organized the business meeting for tomorrow, sir. This time we won't miss the target, sir. Burn them all. Hi, everyone. Let's welcome our chairman, Mr. Vijay Gaikwad, on stage, please. Gaikwad groups, welcome you all. Hey, come on, get out, get out! I would like to welcome my dear sister, Nisha Gaikwad, on stage. Aaj se is company ki barish aur the sign of authority belongs to Nisha Gaikwad. Mujh par bharosa karke itni badi responsibility mujhe di hai. Hope I fulfill it. इस स्पेशल मोमेंट में मैं एक स्पेशल इंसान को थैंक्स कहना चाहूंगी. वो अगर मेरा साथ देगा तो इतने टफ टास्क को भी आसानी से मैं हैंडल कर लूंगी, ये मेरा विश्वास है. आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर संतोष. सिक्योरिटी के तौर पर आकर हमारी शील्ड बनकर आज ये हमारी फैमिली का एक मेंबर बन चुका है. संतोष का मतलब है विश्वास, ताकत और हिम्मत. इतना ही सब? मैं मतलब डर नहीं है क्या सर? मैं हूं मतलब डर भी तो होना चाहिए ना सर, मुझसे डर होना चाहिए. ए, ये क्या बकरा है? क्यों अब डर लगा ना? We'll be right back.
तुमने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने तुझे सिलेक्ट किया है। डर होना चाहिए। We got the footage. Good job, Charlie. अरे फोन बाद में कर लेना, जाकर मार उसे। आ रहा है वो। Hello, sir. He's alive, sir. Who is alive? Sir, he's alive. Tell me who is alive. James. नाम सुनते ही हार्टबीट फास्ट हो गई ना। राउडी, गुंडा, डॉन, गैंगस्टर, इन सब का बाप हूं मैं। अगर तू सच्चा मर्द है, अगर तू मुझे मारना चाहता है, अगर मुझसे रिवेंज चाहिए, तो आ जा। सर, एक्सप्लेन। यस, यू आर राइट। मैंने जानबूझ के झूठ बोला। तुमने मेरे फ्रेंड्स को मारा, उन्हें मानसिक तकलीफ पहुंचा। आई वॉन्टेड टू टेक माई रिवेंज। टेक योर रिवेंज। अलर्ट रहना चाहिए, हर तरह से अलर्ट रहना चाहिए। आज वेज नॉन वेज दोनों वैरायटीज का खाना आया है। ग्राइंड करने के लिए सेहत भी तो अच्छी होनी चाहिए। खिलाओ सब। खाना आया है, खा लो। कैप्टन, सुबह का डब्बा अब तक ऐसा ही है। मैडम ने अब तक कुछ नहीं खाया। मैडम सत्याग्रह पर बैठी हो क्या? तुम जैसे पापियों के लिए आसान नहीं है ये। नखरे छोड़ो, खा लो। गद्दारों का खाना जहर की तरह होता है, मैं नहीं खाऊंगी। गद्दार कौन है यहाँ? धोखेबाज, राक्षस, इंसान की नाम पे जानवर है। कौन है वो? हाँ, नक्सलाइट है या टेररिस्ट है? जानती हो कौन है वो? संतोष के बारे में जानती क्या हो? जयदेव गायकवाड़ को मारने वाली हमारी टीम नहीं थी, उनकी टीम थी। Why did he do it? What is the purpose behind it? Who is James? He is. Are you ready, soldiers? Yes, sir. Sir, launch pads are identified near Pulwama area. This is Halta Mujahideen Terror Organization, also known as Power Gang. Consists of more than 28 active members, directly involved in narcotics across LOC and investing money in terror activities. He is Mohsin, he is Azhar, directly involved in the Mozi attack, where we lost our 28 brave soldiers. Now our CRPF commando Anoop Jacob has been taken hostage and they have sent a video clip. हमारे आदमियों को छोड़ दो, नहीं तो उसको मार डालूंगा। हमारा लोगों को छोड़ दो, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। So what's your opinion? Let's activate our elite para commando unit. So who is leading? The intense attacker. We call him
James. He led 19 court operations with 100% success. Without a single casualty, he is a terror to all the terrorists. Highest commendation in para training. He is Major Santosh Kumar. Here comes the power! Burning like a fire! Smashing all the liars! Da-da, da-da, da-da-da! Move! Get ready. Yes, sir. Take position. Yes, sir. Reason, you are an outstanding soldier. The second reason, aap hamare Karnataka ke ho. Thank you, sir. Gaon kab jaane wale ho? Kal, sir. Agar samay mile, to hamare gaon Madkari jaakar aana. Haan, bilkul, sir. Lautte samay mera favorite, Mysore Pak lana mat bhoolna. Sure, sir. Lekar aunga. Jai Hind, sir. Jai Hind. Sir, sir, maine suna hai aapne chutti li hai. Sahi suna hai. Kitne din ke liye hai? Lagbhag 15 din. 15 din? सर आपके बिना हमें तकलीफ हो जाएगी, हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? मेरे बिना कहाँ रहने वाले हो? मेरे साथ आप भी आ रहे हैं सर, लेकिन मैं कैसे? आपकी छुट्टी की भी बात कर ली है सर। दिल के करीब रहते हैं दोस्त, दिल के ज्यादा करीब रहते हैं भाई, लेकिन आप तो मेरे लिए उनसे भी करीब हैं। आप आएंगे तो अच्छा होगा। मैं जरूर आऊंगा सर।
ओके क्या हुआ आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? सर आप कहेंगे तो मैं युद्ध में लड़ लूंगा लेकिन फ्लाइट पर चढ़ना मेरी सांस रुक जाती है लगता है किसी ने डब्बे में पैक कर दिया तो इसे भी युद्ध समझ लेना बस मैं ऐसे ही करूंगा सर सर अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं हाँ पूछो सर आप तो हमेशा देश और ड्यूटी को लेकर सीरियस रहते हैं मैंने कभी आपसे कोई पर्सनल बात नहीं पूछी और आपने मुझे बताया भी नहीं अभी पूछ लूं क्या पूछो सर आपका परिवार कहाँ है मेरा परिवार कहाँ है अभी शादी नहीं हुई है मेरी शादी के बारे में नहीं पूछा आपके परिवार में मम्मी पापा भाई बहन कोई तो होगा सर है? समझ में नहीं आ रहा क्या करे सर जी उन बच्चों के साथ कोई नहीं है क्या नहीं सर जी भगवान जो है वो सबसे प्यार करता है लेकिन कुछ लोगों से इतना प्यार करता है कि उन्हें अपने पास बुला लेता है हमारा कोई नहीं है हम अनाथ है ऐसा मत समझना ये धरती ही तुम्हारी माँ है ये पूरा देश ही तुम्हारा घर है यहाँ पर रहने वाले इंसान तुम्हारे अपने हैं आज के बाद तुम सब एक दूसरे के भाई भाई हो आर्मी ऑफिसर की वजह से हम लोग भाई बने हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम जागा मेरी जिंदगी में खून के रिश्तों से ज्यादा दोस्ती के रिश्ते हैं फ्रेंड्स सब कुछ है वेलकम मेजर अरे ये फॉर्मेलिटीज किस लिए यार हाय मेजर क्या हुआ तुम सब इतने पतले कैसे हो गए सब ठीक ठाक तो है ना हाँ आराम है बस थोड़ा वर्क प्रेशर तो रहता ही है ना अरे क्या प्रेशर यार प्रेशर को प्लेजर समझ लो बस जिंदगी आराम से कट जाएगी ओके मेजर क्या बात बोली आपने सर मेजर ये राकेश कुमार पिरंगी है ना यस सर आपने तो इन्हें मेरे बारे में पहले से बता रखा है सर नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते सर मदन कहाँ है आ गया हे आइए आइए पधारिए स्वागतम सुस्वागतम वो लघु शंका क्षमा कर दीजिए हाँ, बताइए कैसी रही यात्रा विमान विलंबित हुआ ना मेरे अनुमान से आपने भोजन नहीं किया होगा चलिए सब साथ मिलकर खाते हैं ये सामान मुझे दीजिए आजकल की जनरेशन है एकदम शुद्ध मैं पक्का देसी हूँ जी अपनी संस्कृति नहीं भूलता देश से मुझे बहुत प्यार है एकदम चकाचक गिव मी योर सामान आप कष्ट ना करें मैं स्वयं कर लूंगा अवश्य हमारी फेवरेट कॉफी शॉप है यहाँ आकर कॉफी पीने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है बाय द वे ये मदन है जनाधीन पत्रिका का चीफ एडिटर इसको समाज की बहुत चिंता है ये है एकांत बहुत ही होनहार है ये एक जिला अधिकारी के तौर पर लोगों की सेवा कर रहा है ये है जगन आईपीएस ऑफिसर वर्किंग इन एनसीबी और ये है अमर रामनगर में एसीपी है सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली भी मामा कल मुझे बॉक्स भर के चॉकलेट चाहिए और एक
आज जो दिया है वो आज रात को ही खत्म हो जाएगा ना। बच्चों को चॉकलेट खिलाना तुमने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया। मुझे एक डेयरी मिल्क भी चाहिए। ओके मामा, मुझे किंडर जॉय भी दोगे ना? ऑलरेडी तुम लोगों ने अपनी चार चार दांत खराब कर लिए हैं और फिर से चॉकलेट चाहिए। जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। अरे खाने दीजिए, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? सर आप चॉकलेट की दुकान खोल लीजिए सर। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ आपके बारे में चर्चा होती ही रहती है। मेरी चर्चा? मॉल, मेट्रो, मार्केट, जहाँ भी जाए ये लड़की सूट होगी क्या, वो लड़की सूट होगी क्या, सिर्फ यही बातें चलती रहती है। इन्होंने मैट्रिमोनी भी नहीं छोड़ा, सब जगह ट्राई कर रहे हैं। ये सब क्या यार? बिल्कुल मेजर, ये मैटर अब तो तुम्हें बहुत ही सीरियसली लेना होगा। इस बार तुम्हारा हमसफर भी तुम्हारे साथ जाएगा। करेक्ट मेजर। अब अगर तुम लोग सब इतने सीरियस हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है। अगस्त 1st फ्रेंडशिप डे, इसी दिन हम सब इस आश्रम में मिले थे। हर साल हम जहाँ कहीं भी हों, चाहे जितना भी बिजी हों, आज के दिन हम सब जरूर मिलते हैं। सारे काम छोड़कर इस आश्रम में आते हैं। फ्रेंडशिप डे पर ही हम पांचों मिलकर अपना बर्थडे मनाते हैं। अन्नदान और विद्यादान जहाँ हम जिंदगी भर कर सकते हैं, वो जगह है ये आश्रम। हमारे जैसे हजारों लोगों का घर बस ये आश्रम ही है। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। आपके आश्रम में बड़े होकर आगे इस समाज में ये सारे बच्चे कामयाब और नेक इंसान बनेंगे, ये विश्वास है मुझे। जैसी आपकी इच्छा। नमस्ते। ठीक है, जाकर आइए। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि बड़ा होकर मुझे इनके जैसा बनना है। हर इंसान के जीवन में एक गोल और एक गुरु होना चाहिए। हमारी जिंदगी में उन्होंने हमें गोल दिखाया और ये हमारे गुरु हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, यही इंसान की असली दौलत है। अगर हमसे चार लोगों का भला होता है तो वो फल है। हमसे किसी का कोई नुकसान ना हो तो वो उपासना है। कलयुग का अंत हो जाएगा पर सीख खत्म नहीं होगी। अपने अंदर सीखने की नियत निरंतर होनी चाहिए। अगर परम श्रेष्ठ आत्मा हमारी है तो परमात्मा हमारे अंदर बसेगा। सर, इंसान का बचपन मजबूत हो तो वो कभी हार नहीं मानता। भगवान का आशीर्वाद और बचपन में हुई दोस्ती दोनों जिंदगी भर साथ रहते हैं। सुनकर खुशी हुई सर। Yes, sir. I'll be there. Right, sir. Hey, Jagan. इतनी टेंशन में क्यों है तू? एक इंपॉर्टेंट काम है। You guys carry on. I'll join you guys tomorrow. Jagan, आज तो रुक जाओ। I'm sorry. सर, लोग कभी कभी अपना मकसद भूल जाते हैं लेकिन आप कभी नहीं भूलते। ग्रेट सर। अगर आप जैसे और लोग होंगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। वैसे हमें कहां पहुंचना है सर? पांडिचेरी सर। वहां कुछ खास है सर? आपको खेल के बारे में नहीं पता और आप स्टेडियम में आए हो। सर मुझे यहां के खेल के बारे में नहीं पता लेकिन वहां के बारे में पता है। डिश क्या हूं? हमारे एकांत की शादी है। क्या एकांत की? अरे हैप्पी मैरिज। अरे कंफ्यूज मत होइए, एकांत ये नहीं ये, इसको पांडिचेरी में ही कांग्रेचुलेशंस बोलना। आइए चलते हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजो। जो काम दिया है उसको पहले ठीक से पूरा करो, बाद में आगे का काम बताऊंगा। गॉट इट? मेरी हाँ? वो केटरिंग वाले को बता दिया है ना? नहीं तो बताया। फादर को भी बोल दिया है ना? अरे आपने ही तो बताया था। और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वेल विशर्स सभी को बोल दिया है ना? कोई भी छूटना नहीं चाहिए, संभाल लेना। हाँ, हाँ, आप तो भूल जाते हैं। फिर भी तुम मुझे याद करवाते रहना। अरे बेटा। पापा ऑल सेट है ना बेटा? हाँ पापा। सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है पापा। 10:30 बजे दामाद जी को यहाँ होना चाहिए था, अभी 11:30 बज गए और उनका कोई ऐसा पता नहीं है। यू हैव टू सेट हिम राइट आफ्टर मैरिज। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी में ठीक कह रहे हो कि नहीं? अभी तो 10:25 हुए। अरे ये वॉच को अभी खराब होना था। मेरी तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। अच्छा
जी के साथ उनके दोस्तों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपको देखकर तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो गई। पता है क्यों? क्यों सर? उन्होंने पूछा क्या? सॉरी, क्यों सर? मिलिट्री वालों को देखकर गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जय जवान सर। आई एम अ रिपोर्टर सर। मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है क्यों? क्यों सर? पूछो मत। आई एम अ रिटायर्ड कैप्टन। विशाखापट्टनम के पोर्ट पे 30 साल मैंने सेवा की है। सर आप तो नेवी वाले हैं और हम ठहरे आर्मी वाले सर। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एकांत ने बताया, बहुत खुशी हुई सर। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे पसंद नहीं आया। पूछो क्यों? क्यों सर? मेरी बेटी दामाजी को अपने साथ लेकर आई और बोली कि मैं इनसे शादी करूंगी। ये मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में मेरे दामाजी ने मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त सेना में है तो मुझे पसंद आ गया और मैंने हाँ कर दी। पूछो क्यों? क्योंकि मिलिट्री आपको बहुत पसंद है सर। करेक्ट है। और एक बात सुन लीजिए। बताइए ना सर। 1971, यस सर, द गाजी अटैक, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध। एक मिनट, इसके आगे सर? लगता है इसके सिर में चोट लगी। मैंने सुना। अरे सॉरी सर। क्या बोल रहे हैं, कितने अच्छे इंसान है ये। ससुर सुपर है और लड़की डुपर है। सर आपके फ्रेंड को बम्पर इनाम लगा है। क्यों पूछो? क्यों सर? उनसे ही पूछना पड़ेगा। वो तो पूछूंगा। मैंने कितनी बार कॉल किया, कॉल पिक क्यों नहीं किया? सब लोग साथ में थे ना इसलिए। मुझे ये सब पसंद नहीं है। सिस्टर नाराज मत हो ना, हमारा बंदा ऐसा ही है। आपकी जो भी कंप्लेन हो ना मुझे बता देना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। मम्मी बुला रही है, मैं बाद में मिलती हूँ। बेटा शादी के पहले ये सब चीजें समझ भी नहीं आती, शादी के बाद ही असली खेल शुरू होता है। या रेस्ट इज ऑल फाइन, मे द प्रेज बी विद ऑलमाइटी। जय हिंद कर्नल। हाय सर। यस। आपके आचार विचार सत्कार संस्कार ये सब कुछ देकर विकार से मैं साकार हो गया सर। मुझे हर्षो उल्लास हो रहा है सर। कौन सा उल्लास? हर्षो उल्लास सर, पसंद आया सर। सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। मुझे भी सर। सर आपको कोई काम होगा तो बताना, मैं रिपोर्ट करूंगा। सपोर्ट करूंगा ना। हाँ ये मुझे पसंद है। पसंद आया सर। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन। कमिंग। मैं भी कम हूँ क्या, पसंद सबको आना ही चाहिए ना। पसंद को पसंद में बदलना ही मुझे पसंद है। मेरे ब्रदर्स मेरी बात माने बिना इंडिया चले गए, अभी वो एनसीबी के कस्टडी में है। विजय आई नीड योर हेल्प, बिजनेस में तुम्हारे टर्म्स पे करूंगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हमारा एंटायर बिजनेस कोलैप्स होने के चांसेस है। बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट। आपको कोई भी तकलीफ हो या कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे जल्द संपर्क कर सकते हैं। हेलो, बिजनेस अभी हमारी तरफ टर्न हो गया है, ये रिस्क लेने का टाइम है तो ले लेते हैं। ये हमारे साहब है, अच्छी फोटो दिखाना। ये हमारे गांव का लड़का है सर, बड़ा आदमी बन गया है। पर ये दिखता तो छोटा ही है। अपना विकिपीडिया सुनाओ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वणकम, सलाम वालेकुम, राधे राधे। सर ने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये देखिए सर, ए से लेकर जेड तक सारी क्लास की लड़कियां मिलेगी आपको मेरे पास। लड़की का फोटो देखकर आप सिलेक्ट कीजिए, उनका बायोडाटा, उनकी फैमिली का बायोडाटा, सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। ये देखिए सर, ये वाली लड़की बहुत रिच है सर, ये जमीन पे चलती नहीं सिर्फ उड़ती है। आप कहेंगे तो मैं पकड़ लूंगा इसे। सर ये वाली देखिए, ये तो अप्सरा है सर, इसको मनाना मुश्किल है सर, ये लड़कों को हाँ नहीं करती है। ये पसंद आई क्या? या फिर इसको देखिए सर, ये घरेलू टाइप की है लेकिन घर वाला कोई भी काम इसे नहीं आता है, सिर्फ ऑनलाइन फूड मंगवाना आता है। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है सर, शादी का मतलब एडजस्टमेंट सर। वैसे क्या आपकी कोई डिमांड है सर? एक रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए ना। पैसों को अहमियत देने वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। हाँ? क्योंकि फिलहाल मैंने सिर्फ अपने देश के लिए जीने का फैसला कर लिया है। ओके सर। मैं यहाँ आया हूँ इसकी शादी के लिए। हाँ? इसलिए मेरी शादी की बात मत करो। ठीक है सर। इन्होंने तो यूटर्न मार लिया। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो मैं इन सबको बताऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा, समझ गए ना? गुड लक। तू रिजेक्ट है, निकल चल। जूस पियोगे क्या? ठीक है सर। हाँ तो फिर निकलो। सर बात ऐसी है कि किसी लड़की के लिए धन दौलत खोने वाले लड़के मैंने बहुत देखे हैं, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, लेकिन अपने देश के लिए अपनी इच्छाओं को मारने वाला ऐसा लड़का मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सैनिक एक रियल हीरो होता है सर। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। जल्दी निकल। सब कुछ कंट्रोल में है, नथिंग टू वरी, आई विल कीप अपडेटिंग सर। ओके। हाय जगन, सारा काम खत्म हो गया, सब ठीक है ना? एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बोलना। 3 months back, मेरे कलीग का भाई श्रवण, he is an engineering student, उसने सुसाइड कर लिया। केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय मुझे पता चला कि he was into drugs peddling। थोड़े दिन पहले हमने पेडलर्स को अरेस्ट किया था, उन लोगों से हमें मेजर इंफॉर्मेशन मिली। इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स एक कोलैबोरेशन के लिए बेंगलुरु आए हैं। स्पेशल टीम को फॉर्म करके हमने एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया
और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वो लोग पेडलर्स नहीं हैं, बल्कि ड्रग लॉर्ड्स हैं, एंड दे बिलोंग्स टू द मोस्ट नोटोरियस कार्टेल, द गोल्डन हॉर्स। फर्दर इन्फॉर्मेशन से पता चला कि इंडिया में दो मेजर ड्रग सिंडिकेट एक्टिव हैं। इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रही है, अगर ये न्यूज ब्रेकआउट हुई ना तो एक बहुत बड़ा सेंसेशन क्रिएट होगा मेजर। एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू देम टू, इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। चीयर्स। गुड जॉब। थैंक यू मेजर। अच्छा मुझे जो चीजें पता हैं, मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ। तुझे पता है हमारा जो रिसेंट ऑपरेशन है वो ड्रग्स रिलेटेड है। आई सी। ड्रग्स, इलीगल आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें इतना पैसा है दैट यू कांट इवन इमेजिन। जहां ज्यादा पैसा वहां पर उतना ही बड़ा गेम। इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसों को हाथ मत लगाओ, लगाओ तो सीधा खत्म कर दो, वरना हम जैसे लोग टीवी पर सिर्फ न्यूज बनकर रह जाते हैं। एक सजेशन, जितना जल्दी हो सके उन्हें कोर्ट में पेश करो। सेकंड सजेशन, सिक्योरिटी। तू चाहे काम पर हो या हॉलिडे पर जाए, तेरे और तेरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, प्लीज स्टे अलर्ट। तू जितना ज्यादा अलर्ट रहेगा उतना ही अच्छा होगा। यस मेजर। बी सेफ। सर आपका टेरर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपके दोस्त भी सारे ऐसे ही हैं। क्या सब कुछ सुन लिया क्या? हाँ सर। इसीलिए कहते हैं इंसानों में अपने दोस्त की पहचान होते ही इंसान और इंसानियत को हम एक कर सकते हैं। आप तो मुझे ज्ञानी बना के मानेंगे। चलिए सर। आपका सजेशन रिजेक्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। देख लिया कि तुम्हें अरेस्ट करने की हिम्मत तो उनमें है, पर इस गलती का क्या अंजाम होगा ये उन्हें पता नहीं है। डर क्या होता है ये दिखा दो उन्हें। श्योर। जब तुम्हें अरेस्ट किया था उस वक्त तुम्हें जो पेन हुआ, इंसल्ट हुई, एम्बेरसमेंट हुई, ये उन्हें भी होना चाहिए। शो देम हेल। यस। आए सब लोग। फिरंगी जी, क्या बोला तुमने? आपने मेरी मिसेज को कहीं देखा है क्या? दोबारा बोलना। फिरंगी। मैं फिरंगी नहीं हूँ, मैं पिरंगी हूँ, समझे? सॉरी सर। मेरे पिता होली नायक पिरंगी, मेरे दादा आनी नायक पिरंगी, मेरे परदादा राजहंस पिरंगी। अरे बहुत बड़ा खानदान है हमारा। नाम को ऐसे बिगाड़ कर नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। किसे सर? पहले जिसका नाम बिगाड़ते हैं उसे, और फिर जो बिगाड़ता है उसे भी। सर कहाँ रखा है? क्या? फिरंगी गन को। वो हमारे खानदान की कीमती चीज है, युद्ध में इस्तेमाल करते हैं उसे। तो गंदी नहीं होती सर? गंदा नहीं होता है, बीच बीच में साफ करते रहते हैं, नारियल के तेल से, दूध से। मदन आप यहाँ पर हैं? नैना आपको कब से ढूंढ रही है, जल्दी चलिए। गन को दूध से भी साफ किया जाता है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। मैं तो कल ही जाकर आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लूंगा, ना रहेगा फिरंगी ना बनेगा फिरंगी। सर आपने कहानी नहीं बताई सर। हाँ कहानी। हाँ। 1971। हाँ सर। गाजी अटैक। हाँ सर। भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध। हाँ सर। दिल दुखी हो गया यार, बहुत तकलीफ होने लगी। पाकिस्तान वालों को सर? कल सुबह बेटी ससुराल चली जाएगी यार, ये सोच के थोड़ा भावुक हो गया हूँ। I know। सोल्जर हूँ मैं, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। I know। एक मिनट दो मुझे। मैं कहानी बताता हूँ। हाँ बाद में बताता हूँ। सर कितना अच्छा दृश्य है सर, आपके दोस्त आप पर जान निछावर करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। वरना आज के जमाने में अपने सगे संबंधी, यहाँ तक कि भाइयों पर भी भरोसा नहीं होता। हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है सर, तकलीफें साथ झेली हैं, हमारे बीच प्यार कुछ ज्यादा ही है। आ,
आप लोगों की दोस्ती ऐसी ही बनी रहे, किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए, आप हमेशा खुश रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ये सब ऐसा ही रहे। बहुत सिखाया मैंने यहाँ लाने के लिए, शुक्रिया सर। और संतोष तुम यहाँ हो? यस सर। और मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था। कहानी सुनोगे? श्योर। सर कहानी बताइए सर। बैठ कर बताऊं? श्योर सर। ओके। एक्चुअली 1971 गाजी अटैक इंडिया पाकिस्तान वॉर, बहुत बड़ा युद्ध, इससे आगे बताइए ना सर। सर सो गए। सर 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 उठिए ना सर। सर 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 मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ बताओ मुझे। हम धारावी में हैं। नहीं हम तो अभी लोनावाला में हैं। नहीं नहीं हम तो पांडिचेरी में हैं। मुझे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है प्लीज। सर कहानी बताइए ना सर। समवन हेल्प मी प्लीज। आई एम ओके। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। डोंट वरी। इसे बताइए ना सर। थैंक यू सर। आई सर। सो 1971। अरे ये कहानी बताएगा नहीं, हम आगे सुन नहीं पाएंगे। चीयर्स। इयररिंग बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो दे सकती हो ना तुम। क्या कहा? दो ना। क्या सबके सामने? वाह देखो सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है, यही परफेक्ट टाइम है। क्या ना कि जो चीज लो उसे लौटा देना चाहिए। नाउ योर टर्न। बच्चों का खेल है क्या? जल्दी दो ना यार। जैसी मैं तो किसी मांग रहा था तुम तो लिपटी गई। लोग देख रहे हैं। ए जैसी लग रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है।
तुझे गुस्सा आ रहा है मुझे अरेस्ट करके गोल्ड मेडल लेके इतिहास रचना चाहता है ना? लेकिन आने वाले इतिहास में तेरा बैड चैप्टर होगा मैरिज पार्टी में ड्रग्स लेकर इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा करके एक दूसरे पर फायर करके सबके सब मर गए IAS IPS officers on high ये होगी ब्रेकिंग न्यूज हैप्पी जर्नी गुड लक सर, दूसरी सांवी 20 दिनों की जिंदगी और मौत के बीच युद्ध संतोष सर को अचानक होश आ गया सर, हमारे देश में पैसों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज को दबा सकता है उसी तरह इस हादसे को दबा दिया गया और दुखों का पहाड़ तब टूटा जब दो दिन बाद सानवी भी गुजर गई मिलिट्री से हमारे कुछ दोस्त आए हैं किसने किस लिए ये टारगेट बनाया था इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुश्मनों के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली उनका ठिकाना और वो क्या काम करते हैं हमने सबके बारे में एनालाइज करना शुरू कर दिया रॉबिन जॉन और पीटर यू कैरी ऑन अब जाओ लेटर Hello? Who is this? James. James? Are you my friend? Enemy. Enemy? तूने मुझसे मेरे दोस्तों को दूर किया है एक खूबसूरत परिवार को बर्बाद किया है तूने बहुत बड़ा दर्द दिया है
सूद समेत तुझे लौटाऊंगा। तेरे अपनों को दूर कर दूंगा तुझसे। असली दर्द क्या होता है तुझे महसूस कराऊंगा। एंड फाइनली आई विल किल यू। यू वेलकम जेम्स, मिलिट्री का कोड नेम, दोस्तों की याद में रखा गया नाम। उस दिन उनकी कही बातें सिर्फ बातें नहीं थी, एक दहाड़ थी। Robin, I'm waiting for you, man. Come soon. थोड़ा सा काम है ब्रो, खत्म करके I will join the party. Okay, जल्दी आ। Come on everybody. Happy birthday to you. Happy birthday! What happened, guards? Guards, जाके देखो क्या हुआ? Hey, where is Robin? Search for Robin. उधर ढूंढो. Robin? Hey, Robin, क्या हुआ तुझे? Robin. Hello, dear brother. Peter, are you okay? Yeah, I'm okay. क्या हो गया? तुम ऐसे घबराए हुए क्यों? Robin is dead. क्या बोल रहे हो तुम? Peter. Oh!
तुमने बातों को सीरियसली नहीं लिया। We are facing huge losses. तुम्हारे साथ बिजनेस मेरा बेटा नहीं चाहता। We are canceling the deal. सर, गायकवाड़ ग्रुप्स ने हमारे सिंडिकेट को क्विट कर दिया है और हमारे सी हंटर्स उस किलर के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहे हैं। ओके। इस घटना के एक हफ्ते बाद भी जोसेफ एंथनी के लोग संतोष को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे। वो सी हंटर्स संतोष के जैसा दिखने वाले एक आदमी को मारकर चार दिन तक उस बॉडी को समुद्र में ढूंढते रहे। लेकिन उस वक्त मैं और संतोष सर ब्रिगेडियर के ऑफिस में थे। योर इंटेंशन वाज राइट, लेकिन तुम्हारा सेलेक्ट किया हुआ रास्ता वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीइंग अ सोल्जर विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी, बॉर्डर को क्रॉस करके जाना, योर फर्स्ट बिग मिस्टेक। अपने पर्सनल रिवेंज के लिए इतने लोगों को मार डालना, योर सेकेंड बिग मिस्टेक। एक्चुअली अंडर द मिलिट्री कोर्ट ऑफ कंडक्ट तुम्हारा कोर्ट मार्शल होना चाहिए, बट कंसिडरिंग योर सर्विस टू द नेशन यू आर एक्सक्यूज्ड। गेट वेल सून एंड रिपोर्ट टू मी एज सून एज पॉसिबल। अब बताओ कौन है गद्दार? पूरी दुनिया को नाश करने वाला तुम्हारा भाई या ऐसे लोगों को दुनिया से क्लीन करने वाला संतोष? वो बुरे नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान को पहचानना सीखो। संतोष सर, क्या हुआ? पूरा ऑफिस तबाह कर दिया। जोसेफ एंथनी, शौक लगा क्या? दोस्तों के लिए लड़ने वाला तू ग्रेट है, या भाइयों के लिए लड़ने वाला मैं ग्रेट हूँ? डिसाइड करते हैं। तेरे दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडिया आया हूँ। अभी जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। मेरा पावर मनी यूज किए बगैर विद इन 3 डेज तू मेरे सामने होगा और मैं जहाँ रहूंगा वहीं तुझे आना होगा। आई एम वेटिंग Waiting for my revenge. अब क्या करें सर? युद्ध में दो चीजें हो सकती हैं। या तो तुम दुश्मन के हाथों मारे जाओ या दुश्मन को तुम मार दो। तैयार रहना। यस सर। जिंदगी में हर इंसान को समझना जितना जरूरी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी समझना उतना ही जरूरी होता है। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रदर्स के इमोशंस की वजह से बेस्ट फ्रेंड का अफेक्शन मैंने खो दिया। मारने का फैसला लिया मैंने। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारे उपाय को तबाह करके, हमारे भाइयों को मारकर, हमें फूल बनाकर, हमें चैलेंज कर रहा है, मतलब ही इज डेंजरस। जब हमारे लड़के उसके सेल में घुसकर उसके आदमियों को मारकर आसानी से इसे छुड़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने उसे सिर्फ बात करते हुए देखा है, वो कैसे मारता है ये कभी देखा है क्या? मैंने देखा है एक इंसान पूरी सेना को अकेला खत्म कर देता है। इट्स नॉट अ जोक।
is demon. He is right. यहां पावर से ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है. सीधा टैकल करने से अच्छा है उसे टेढ़े ढंग से हैंडल करें. इट मस्ट बी अ लेसन फॉर आवर एनिमीज. चीयर्स. प्यार करते हो प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करना. प्लीज एक्सेप्ट मी संतोष. एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या संतोष? मेरा भाई मुझे बिजनेस हैंडओवर कर देगा. मैं अपने कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठूं. ये सपना मैं कितने साल से देखते आ रही हूँ. यू स्पॉइल्ड एवरीथिंग. मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी सोच रहे थे? नो वे. गैंगस्टर की पावर क्या होती है पता है? वो जहां खड़ा हो उस जगह एम्पायर बिल्ड करके बिजनेस को कांकर करके चैलेंजिंग एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है. रियल गैंगस्टर तेरे जैसे कितनों की लाशों का पहाड़ बनाकर इस पोजीशन पे आए हैं. अगर तुम मेरे साथ रहकर मुझे धोखा दे सकता है तो क्या मैं अपनी बहन को जरिया नहीं बना सकता? साला नमक हराम! तूने मेरी बेटी को छुआ मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन अगर मेरे बिजनेस के साथ खिलवाड़ किया तो जिंदा नहीं बचेगा. Thank you.
इतना कमजोर कंपेटिटर है, ये मैंने सोचा नहीं था। अभी इस वक्त एक सेकंड में 100 बुलेट तेरी बॉडी में उतार के रख दूंगा। तुझे एक चांस देता हूं, मौत से पहले अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल। मुझे दोस्त पसंद है और देश तो मुझे बहुत 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 ही ज्यादा पसंद है। Destroy the entire drug syndicate, sir. अब से आगे इंडिया में कोई भी ड्रग सिंडिकेट को मैं एक्टिवेट नहीं होने दूंगा सर। अपने दोस्तों के सपनों को मैं सच करूंगा सर। I was so desperate to hear this, Josh. Special opportunity is waiting for you. We are assigning you to lead the special covert operation, Mission Narc. Choose your team. Yes, sir. Are you ready, soldiers? Yes, sir. Are you ready for the operation? Yes, sir. Jai Hind. गैंगस्टर है तो मैं सोल्जर हूं। सोल्जर कौन होता पता है? अपने खुद के स्वार्थ को छोड़कर अपने देश के बारे में 24 घंटे सोचने वाला सोल्जर। एक मौका देता हूं तुम्हें, इनमें से कोई भी गोली नहीं चलाएगा, मारो। ब्रदर, भाई से बढ़कर मुझे अपने देश से ज्यादा प्यार हो गया है। तुम मुझे सच में पसंद करती हो क्या? हाँ। मैं जो भी कहूंगा वो करो। करूंगी। प्लान तेरा था लेकिन एग्जीक्यूशन किया मैंने। We'll be right back.
से कमाया हुआ धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ मिट जाता है, लेकिन सही तरीके से कमाई हुई हर चीज अंत तक कायम रहती है।